हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा फाइलम मोलस्का, जो कि हमारा नेक्स्ट फाइलम है। इससे पहले के सारे फाइलम हम कवर कर चुके हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फाइलम मोलस्का। जो फाइलम मोलस्का है, इसको हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मानते हैं, बोलते हैं, और ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इस पहला सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम था वो कौन सा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और फाइलम मोलस्का का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमल फाइलम है। जो मोलस्क है यहाँ पे, वो टेस्टियल हो सकते हैं जैसे कि लैंड स्नेल, या एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर। सिमेट्री कर देखें तो सिमेट्री बाइलेटरल पाई जाती है। बहुत बेसिक सा पॉइंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सिमेट्री, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तीनों जर्म लेयर होंगे। सीलोमेट एनिमल्स हैं, मतलब सीलोम कंप्लीट डेवलप है। बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की सेल पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैल्केरियस सेल, जो कि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जो बॉडी होगी वो डिवाइड है हेड में, मस्कुलर फूट में एंड विसरल हैम्प में। हम यहाँ फिगर के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक एनिमल है जिसका ये हेड है, इसके नीचे ये मस्कुलर फूट है, और सबसे ऊपर कैल्केरियस सेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। और ऊपर इसके नीचे, यानी सेल के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो मेंटल होता है, जिसे हम पैलियम भी बोलते हैं। और यही मेंटल, ये मेंटल कैविटी को फॉर्म करते हैं, मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स। तो जो मेंटल कैविटी है, इसमें फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, या टिनिडिया प्रेजेंट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये दोनों काम परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल कैविटी में गिल्स का पाया जाना, और वो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कुछ एनिमल्स में यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है कई बार, ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस। ऑर्गन ऑफ बोजानस भी पाए जाते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस। तो ऐसा भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है। अब देखेंगे जो एंटीरियर हेड होता है, उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, टेंटिकल्स जो कि सेंस करने का काम करते हैं। जो माउथ होता है, माउथ में फॉल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग पाया जाता है, जिसको हम रेडुला बोलते हैं। तो रेडुला किस लिए? फॉर फीडिंग। इससे वो क्या करेंगे? फीड करेंगे। रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब स्क्रैपिंग और स्क्रैप करना, ठीक है ना। तो माउथ में हम याद रखेंगे रेडुला पाया जाता है, और रेडुला का काम क्या होता है? ये फीडिंग। तो फीडिंग से रिलेटेड क्या है? रेडुला। नेक्स्ट है कि ब्लड कंटेंस हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या? इसमें नॉन हीम कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन पाई जाती है, हम उस दैट इज़ ब्लू इन कलर, जो कि ब्लू होती है, ठीक है ना। तो हीमोसाइनिन भी याद रखेंगे, हीमोसाइनिन। दे आर यूजुअली डायोसियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दो अलग अलग, फीमेल और मेल अलग अलग होंगे, डायोसियस होंगे, और ओवीपेरस होंगे। ओवीपेरस का मतलब एगलेइंग करेंगे विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब भी होगा तो वहाँ पे लार्वल स्टेज पाई जाएगी, यहाँ लार्वा प्रेजेंट होगा। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पाइला, पाइला को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंक टाड़ा पर्ल ऑयस्टर, इसे पर्ल बना जाता है। सीपिया को कटल फिश बोलते हैं। लोलिगो को स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, डेविल, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी साइज में, काफ़ी बड़ा साइज में हो जाता है। एफलेजिया को सी हेयर बोलते हैं, सी हेयर एफलेजिया। डेंटेलियम टस्क सेल, देखो टस्क की तरह होता है, इसे बोलते हैं डेंटेलियम, या इसी को टस्क सेल भी बोलते हैं। और यह है कीटोप्लूरा, या इसको चिटॉन बोलते हैं, चिटॉन। तो ये सारे के सारे हमारे पास इसके एग्जांपल्स थे। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा फाइलम मोलस्का कवर होता है एनसीईआरटी से। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।